तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम वापस खेलने वाले फिर एक बार अपनी पुरानी गेम ग्रैनी चैप्टर 3 को, जिसमें कि आज से कुछ महीने पहले जब मैंने इस गेम को खेला था तो मैं इस गेम में बहुत गंदे तरीके से फेल हो चुका था, यानी मैं इस गेम से एस्केप नहीं कर पाया था और भाई मैं यहीं पर रह चुका था। लेकिन हम इस गेम को आज वापस खेलने वाले और वापस ट्राई करने वाले कि हम इस हॉरर हाउस से आज एस्केप कर जाए। फिलहाल अभी बात करी जाए इस हॉरर हाउस में सबसे खतरनाक भूत की, तो भाई वो मुझे लगती है साइलेंट डिना, क्योंकि उसको पलक झलकाते कभी भी आ जाती। तो लेट्स गो गाइस, अभी अपनी गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा करीब है। तो फिलहाल अभी अपनी बातों को कम करते हैं, सब्सक्राइबर की मांग कम करते हैं और अपनी गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो वेल गाइस, ये वापस है हमारा फर्स्ट डे है, जिसके अंदर ही अंदर अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे यहाँ से जा सकते हैं। तो वेल गाइस, अभी साइज से हमारा करेक्टर जाग चुका है वही पुराने कोठरे में, जिसमें कि भाई ये जेल है, जिसमें कि मुझे ग्रैनी हमेशा की तरह बंद कर देती है और यहीं पर बंद के रहती है। फिलहाल मुझे अभी वो लॉक पिक मिल चुकी है, तो सबसे पहले अपनी डोर को अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि भाई ऊपर क्या क्या हमें मिलने वाला है, जिससे कि हम यहाँ से जल्दी एस्केप कर सके। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि बंदा कितनी देर में अपनी लॉक पिक खोलता है। तो फाइनली गाइस, अब इसने लॉक पिक तो खोल दिया और हम सीधा चलते हैं ऊपर की साइड। क्या इसमें कुछ है? वैसा इसमें कुछ पड़ा नहीं है जो कि मेरे काम आया। अभी मुझे साइड से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर ही कुछ मिलता है और मैं नीचे तो जा नहीं सकता। वैसे ये डोर लॉक है कि पता नहीं क्या है, वैसे लॉक तो नहीं है। नहीं, खुल गया। वेट वेट, ग्रैनी का अभी से मेरे साथ सामना हो चुका है और ग्रैनी यहीं आ रही। चुपचाप निकल लो, वरना ग्रैनी मेरा बहुत गंदी तरीके से मुँह बंद कर देगी। भाई डोर क्यों नहीं बंद हो रहा? शुक्र, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा वरना ग्रैनी मुझे बिठा देगी हमेशा के लिए। फिलहाल मैं अभी तो बाहर निकला था और ग्रैनी इतनी जल्दी मेरे पास आई मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा गेम प्ले ही बाकी है और ना पता नहीं मुझे कितनी बार मिलेगी। शायद से अभी ग्रैनी जा चुके, तो देखते कि क्या करता। ग्रैनी यहाँ से जा चुके कि नहीं जा चुके, तो देखते बाहर निकल के। फिलहाल देखते कि शायद से ग्रैनी यहाँ से जा चुकी, साउंड तो नहीं आ रहा मुझे। वैसे मुझे लग रहा है कि ग्रैनी अब तो यहाँ से निकल चुकी है, तो फिलहाल हम भी ऊपर की साइड चलते। वैसे डोर खुला पड़ा है, कोई ट्रैप ट्रोप तो नहीं लगाया है ना ग्रैनी ने? तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता ग्रैनी पीछे तो नहीं है। वैसे ग्रैनी पीछे तो नहीं गई थी, मेरे को ऊपर का ही साउंड आया था तो ऊपर ही गई होगी। अगर आपने हेडफोन लगा रखा हो तो आपको भी थोड़ा बहुत साउंड आ ही रहा होगा। तो फिलहाल अभी चलते भाई ऊपर की साइड। तो मैं देख रहा हूँ सीढ़ी में ट्रैप ट्रोप तो नहीं लगा रखा, तो वैसा कुछ नहीं है, ट्रैप नहीं लगा रखा है। तो चलते अभी, यहाँ ग्रैनी तो नहीं है ना यहाँ पर, तो यहाँ ग्रैनी नहीं है, लेकिन उसने नीचे ट्रैप लगा रखा है। पर मैं इतना अंधा नहीं हूँ कि मैं इस ट्रैप में अपना पैर दबा दूँ और यहाँ कैद हो जाऊँ। वैसे कैद हो जाऊँगा, आज़ाद भी हो जाऊँगा। तो अभी मुझे बाहर की साइड कोई नहीं दिख रहा है, मैं बाहर निकल के आ चुका हूँ। अभी मैं घर की तरफ नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि थोड़ा बाहर का एरिया लेते हैं यार, खुली सांस हवा लेते हैं सबसे पहले। तो अभी मैं इधर से जाने वाला हूँ किचन की साइड। लेकिन यहाँ ग्रैंडपा मौजूद है, जो कि पता नहीं शॉटगन लिया है और पता नहीं इसकी आंखों में कौन सी कमी है। मैं इसको देख रहा हूँ पर ये मुझे नहीं देख पा रहा है, तो फिलहाल अभी मैं उधर नहीं जाने वाला। वे भाई, ये क्या हो रहा है? इधर से ग्रैनी, उधर से ग्रैंडपा है, दोनों साइड से मैं फंस चुका हूँ क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं वो अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा है उन लोगों ने। तो अभी मेरा काम बन जाएगा, अभी मैं चुपचाप चलता हूँ। पर मैं यार वहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों साइड से अभी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वरना अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो मेरे साथ बहुत गंदा सीन होने वाला है। अबे अबे अबे, इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसी की तो बात कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कभी भी आ जाती है और कभी भी मुंह के सामने चिपक जाती है और फ्रीज कर देती है हमें, और उसी के पीछे पीछे आ जाते ग्रैंडपा और ग्रैनी, जो कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से मुँह तोड़ते हैं। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ किचन की साइड, शायद से दोनों के दोनों ऊपर गए या फिर मैं भी ऊपर चलूँ। तो अभी नीचे तो नहीं जाऊँगा, नीचे चक्कर लगा रहे, क्या पता देखते इसमें कुछ है या इसमें कुछ पड़ा भी नहीं है। हर बारी की तरह ये भी खाली है और ये वाला डोर खुला पड़ा है। पता नहीं ग्रैनी आई थी, ग्रैंडपा आए थे, मुझे नहीं पता, पर देखते कि हम क्या कर सकते। वैसे ऊपर चलते यार, यहाँ भी कुछ नहीं पड़ा है, नीचे वाले में भी कुछ नहीं, इस वाले में देखते क्या ये खुलेगा या इस पर लॉक पिक लगेगी, मुझे नहीं पता, खुलेगा नहीं शायद। तो इस वाले रूम शायद से ग्रैंडपा का रूम है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, हर बारी की तरह खाली पड़ा है। ना इसमें कुछ होगा ना ही हमें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमारी किस्मत में लकी नहीं मैटर करता कि हमें कुछ मिल जाए। फिलहाल अभी चलते हैं आगे की साइड। लेकिन बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? ग्रैंडपा बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल ले नीचे निकल ले भाई। भाई उसने शॉटगन चला दी, पर उसका निशाना बहुत कच्चा है कि जो कि मेरे हेड पे नहीं लगा, वरना मेरा टकला पूरा फूट जाता। पर अभी शायद से ग्रैंडपा मेरे पीछे पीछे आएगा और मुझे बहुत गंदे तरीके से मारेगा। जब तक वो आएगा, जब तक हम इस कोकोनट को उठाते और चलते चुपचाप इसको बाहर कट करने के, पता मुझे इससे कुछ मिल जाए तो इस डोर को ही बंद कर लेता हूँ, जिससे ग्रैंडपा को पता ना चले कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ। तो अभी इसको स्लेडर को चालू करते और इसको कट करते, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो वैसे अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है। यार मुझे ट्रेन का कॉइन मिला है, जो कि मेरा अभी कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन स्किप करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे डोर स्किप करना है, यानी ब्रिज स्किप करना है। तो ब्रिज स्किप करने के लिए मुझे ब्रिज वाली चीज़ें दो। यार ये क्या दे रहे हो? फालतू की चीज़ें जो कि मेरे काम ही नहीं आने वाली। वैसे यहाँ और कुछ पड़ा है क्या? यहाँ भाई मैं बाहर की साइड ढूंढ रहा हूँ डर के मारे, क्योंकि मुझे डर लगा है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या होगा। लेकिन यार ये क्या चीज़ है? साइलेंट डिना जो कि है हमेशा मुझे चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि हमेशा मेरे पीछे लगी रहेगी। फिलहाल अभी मुझे बात की जो है, तो इसको अगर मुझे छुटकारा दिलाना है तो सबसे पहले मुझे उस टेडी बेयर को ढूंढना है और उसकी डॉल पे ले जाकर सुला देना, यानी इसकी क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गया,
कुछ तो कहते थे उसको, यार मुझे याद नहीं आ रहा, तुम ही बता देना। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ आगे की साइड, इसको करते साइड में। अभी मैं इसको अच्छी जगह से चेक करने वाला हूँ। अभी दोनों को मैंने शांत कर दिया है, अभी वो अपना अपना ऊपर काम कर रही है, तो मैं इन सारी चीज़ों को चेक कर लेता हूँ, इनमें कुछ है कि नहीं है। वैसे इसमें तो कुछ नहीं है यार, हमेशा की तरह खाली क्यों रहता है। वैसे मुझे किसी का साउंड तो आ रहा है, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो, पर अभी कोई तो नहीं आ रहा। वैसे मुझे लगा कि कोई आ रहा है। रुको रुको भाई, शॉटगन दिख रही ग्रैंडपा की। वेट वेट, ग्रैंडपा दरवाजे के सामने खड़ा है। अच्छा, ग्रैंडपा नहीं था, ग्रैनी था। और मुझे उसका डंडा देख के लगा कि वो शॉटगन लेके सीधा आ चुके, लेकिन इसको साउंड आ जाता है साइड से। इसके पास बहुत हाई क्वालिटी का हेडफोन है। और ये कौन है इसकी ऐसी की तैसी? भाई मैं इसीलिए बोल रहा था कि इसमें अगर इस गेम में सबसे ज़्यादा कोई ख़तरनाक है तो वो तो है साइलेंट रीना, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी आ जाती है। वैसे इसने थोड़ा वो साउंड किया है, तो क्या ग्रैनी आएगी? जब तक ग्रैनी आएगी, वैसे मैं मेरे पास बहुत ट्रिक है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ जैसे ही ग्रैनी आएगी। वैसे अभी इसको खोलते, इसमें कुछ है? इसमें भी कुछ नहीं पड़ा। हर बार की तरह क्यों खाली रखते हैं मेरी किस्मत में? मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में हमेशा क्यों खाली पड़ा रहता है। तो इसमें शॉटगन की एमओ पड़ी है, लेकिन वो मेरे किस काम की आएगी जब तक मेरे पास शॉटगन नहीं होगी? तो इसको भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। इसमें भी कुछ नहीं है, हमेशा की तरह खाली है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे चुपचाप ऊपर की फ्लोर में निकल लेना चाहिए। अभी बटन दबा दिया, वैसे अभी मैंने बटन दबा दिया, चलते इस लिफ्ट से ऊपर की साइड और देखते क्या ऊपर की साइड भी कुछ पड़ा या हमेशा की तरह खाली पड़ा रहता है ये। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा यहाँ पर, देखते यहाँ कुछ पड़ा, यहाँ कुछ नहीं पड़े, बस शॉटगन की एमओ है पूरे घर में। लेकिन अभी मुझे बुड्ढे को मारना है। सबसे पहले मुझे वो ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं बुड्ढे को मार सकता हूँ, और वो पता नहीं कौन से वाले रूम में। अभी हम देखेंगे। वैसे मुझे उस रूम का थोड़ा बहुत तो आइडिया कि वो कहाँ पर है, क्या ये डोर को भी अभी मुझे खोलना है। तो अभी शायद इसमें लॉक पिक लगने वाली, पहले इसको ड्रॉप करता हूँ। रुको, अब देखता हूँ कि इस लॉक पिक में ये काम आने वाली कि नहीं आने वाली। वैसे तो फिलहाल ये लॉक पिक काम आ रही है और ये खुल भी रहा है, तो फिलहाल अभी इसको फटाफट खोल लेते और चलते इधर की साइड। क्या पता इधर की साइड मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाए, लेकिन कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रैंडपा जरूर मिल जाएगा जो कि सामने से जा रहा है। पर इसने मुझे अभी नहीं देखा क्योंकि इसकी आँखें कमज़ोर है और इसका साउंड सेंस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पर अभी इसके साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेने, चुपचाप हम चलते हैं भाई उधर की साइड। वो आप देखते हैं क्योंकि हम इधर से जाए इधर से। लेकिन ये कौन है? ग्रैनी क्यों आ जाती मेरे सामने? यार मैं बोल रहा था कि ग्रैनी जो है कि इसके पास बहुत तगड़ा हेडफोन है, कि इसीलिए ग्रैंडपा से ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये हर बारी की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाती है मुझे मारने के लिए। लेकिन इसकी बस की नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इसके हाथों में नहीं आऊँगा जब तक ये मुझे मार नहीं पाएगी। हाँ आ जा बढ़िया, तेरी बस की नहीं है मेरे को मारना, बहुत मुश्किल है कि तू मुझे मार दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ग्रैनी मुझे मार दे। लेकिन यार गाइस एक चीज़ और हो चुकी प्रॉब्लम, जो कि मेरे को इस घर में कुछ मिल ही नहीं रहा, और हर बारी की तरह इस घर में कुछ भी नहीं है मेरी किस्मत में। अगर हाँ बात की जाए, अगर मेरा मन ही नहीं है इस गेम को ज़्यादा खेलने का, और ये भी लॉक पड़े और सब में कुछ ना कुछ तो लॉक पड़ा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुझे अब इस गेम को यहीं पर कंटिन्यूस बंद कर देना चाहिए। क्योंकि भाई अब मैं इससे आगे और नहीं खेलने वाला हूँ, और तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी हो चुकी हवा टाइट। तो ऐसी बात नहीं कि हवा टाइट हो चुकी, क्योंकि गाइस गेम प्ले वीडियोस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं आती, यानी वॉच टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए मैं इस गेम को यार यहीं पर स्टॉप करने वाला हूँ। अगर मेरे को इस वॉच टाइम वीडियो में, गेम प्ले वीडियो में अगर वॉच टाइम अच्छा आता है, तो फिलहाल मैं इस गेम को पूरी तरीके से स्किप करके दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन गाइस आज की वीडियो के लिए हम इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वैसे अगर आपका मूड नहीं होगा सब्सक्राइब करने का, तो भाई कर देना अगर तुम्हें लग रहा है कि अगला गेम प्ले मुझे लाना चाहिए। तो फिलहाल मैं अगला गेम प्ले भी लाऊंगा, अभी अपनी गेम प्ले को यहीं स्टॉप करते और चलते हैं ग्रैंडपा से मार खा के अपने घर में। तो लेट्स गो, अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।